शहर कांग्रेस नीमच द्वारा 26 जनवरी को बारादरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता की उपस्थिति में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन में भेजे गए 24 सूत्रीय आरोप पत्र का विमोचन किया गया। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चरणबद्ध ढंग से 2 माह तक कांग्रेस जनों द्वारा नीमच शहर में चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता 40 वार्डों में भ्रमण कर घर घर जाकर शिवराज सरकार के 18 साल की नाकामियों के बारे में आमजन को जानकारी देंगे। साथ ही 15 महीने तक सत्ता में रहे तत्कालीन कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों से नागरिकों को अवगत कराएंगे। यहां बताते चलें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पिछले 140 दिनों से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो पैदल यात्रा पर हैं। कांग्रेस द्वारा दूसरे चरण में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य साफ है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन को मजबूती से खड़ा करना और कार्यकर्ताओं की संलग्नता को अधिक प्रभावी बनाना। इसी के तहत आज वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। आज शुरू किए गए अभियान में जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कालरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उमराव सिंह गुर्जर, कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष महेश बिरवाल, तरुण बाहेती, आंजना राकेश सोनकर, शराफत हुसैन, सलीम खान, इकराम पहलवान, मोहम्मद हुसैन कारपेंटर, मोनू लोक्स, हरगोविंद दीवान, योगेश प्रजापत, अमर सिंह जयंत और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। जनता को दो चीज हाथ साथ जोड़ो अभियान के तहत बताई जा रही है। एक तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज जी है, इन्होंने खाली घोषणाएं की है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी खूब बढ़ रही है, महंगाई खूब बढ़ रही है, किसानों को उनका जो है उचित दाम नहीं मिल रहा है, और तो और शहर के अंदर सफाई भी नहीं हो रही है, शहर में आवास इन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि सो रहे हैं और जनता उनको जागृत कर रही है। कांग्रेस इसलिए आई है कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में महंगाई पर कंट्रोल किया है, सरकार ने बिजली के 100 यूनिट पर 100 रुपये के बिल दिए हैं, कमलनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर जो है शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, उसमें लोगों को शुद्ध उपलब्ध हो, शुद्धता और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ऐसे बहुत सारे 24 सूत्री मुद्दे हैं जिनको लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हमारी इस यात्रा में मिल रहा है। ये सब यात्राएं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और कमलनाथ जी के निर्देशन में चली जा रही है और पूरे नीमच क्षेत्र में 2 महीने तक ये यात्रा जारी रहेगी और लोगों को ये बताएंगे कि सरकार झूठे आश्वासन पर चल रही है, अवैध कॉलोनियों को अवैध करेंगे, अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। बंगला बगीचे की समस्या को लेकर 20 साल से आश्वासन दिए जा रहे हैं नीमच की जनता को, लेकिन कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता को हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर बड़े उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को ऊपर लाया जा रहा है, उनकी आय लगातार बढ़ रही है और आम जनता परेशान है, त्रस्त है और उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हाथ जोड़ो अभियान भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेकर जनता को अवगत कराया जा रहा है। जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो दुष्कर्म करे हैं, उन दुष्कर्मों का लेखा जोखा माननीय कमलनाथ जी ने हमको भेजा है और उस दुष्कर्मों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।